सो हे गाइस, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो देखी है गाइस, आप इस तरह की जो लिरिक्स वाली वीडियो एडिटिंग है और साथ के साथ इसमें देख सकते हो जो थंडर वीडियो आ रही है, यानी कि बीच बीच में इफेक्ट वाली वीडियो कुछ इस तरीके से आ रही है लिरिक्स के साथ, और जो यहाँ पर मतलब इस पूरे लिरिक्स के बाद जो एंड में वीडियो आती है यानी कुछ इस तरीके के इफेक्ट होते हैं, और जो ये वीडियो आती है इनमें ये वाले इफेक्ट होते हैं, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो जो होगी आपको एंड तक वॉच करनी है, तभी आपको पता चलेगा कि इस तरह की वीडियो एडिटिंग ऐसे कर सकते हो आप अपने एंड्रॉइड फोन की मदद से। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक ऐप की लिंक दी है जिसका नाम है VN एप्लीकेशन, आपको डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लेना, यानी कि इंस्टॉल करने के बाद देन यहाँ पर प्लस का आइकन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और न्यू प्रोजेक्ट आएगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइस अभी आपको कोई भी एक छोटी सी वीडियो ले लेनी है एक दो सेकंड की, क्योंकि हमें यहाँ पर जो ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए, तो उसे आप कैसे लाओगे वो भी मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ बहुत ईजी तरीके से। पर आप देख सकते हो कि आपको आगे क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड लेकर आना है, तो वो कैसे आप ला सकते हो, जहाँ पर गाइस तीर का निशान है यानी कि यहाँ पर देख सकते हो, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं व्हाइट और ब्लैक बैकग्राउंड, तो हमें यहाँ पर ब्लैक चाहिए, तो हम यहाँ पर जो होंगे ब्लैक बैकग्राउंड लेंगे। और ब्लैक बैकग्राउंड लेने के बाद गाइस अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर आगे स्क्रॉल करते हो तो आपकी वीडियो आएगी, इस वीडियो को आपको क्लिक करके यहाँ से जो है आपको डिलीट करना है, वाटरमार्क आएगा आपको इस पर क्लिक करके इसे यहाँ से डिलीट कर देना है। आपको क्या करना होगा, आपको जो बैकग्राउंड इसे घसीट के 15 से 16 सेकंड का आपको लगभग यहाँ पर जो है इसे कर देना होगा। यहाँ पर अच्छे से करने के बाद गाइस आपको बिल्कुल यहाँ पर आगे आना है, ऊपर तीर का निशान है वहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ पर जो होगा 9:16:16 ले लेना होगा। 9:16:16 लेने के बाद गाइस आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर म्यूजिक ऐड करना है अपनी वीडियो में, जिस पे भी आप लिरिक्स वगैरह मैच करोगे। तो म्यूजिक के आइकन पर क्लिक करने के बाद जहाँ पर तीर का निशान है आपको वहाँ पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको ऑल मटेरियल करके जो है वीडियो दी है। अगर आप उस वीडियो को डाउनलोड करने के बाद ये वाला प्रोसेस करोगे तो जो वीडियो होती है वो ऑडियो में कन्वर्ट होगी, ऑडियो में कन्वर्ट होने के बाद आपका म्यूजिक आ जाएगा, यानी कि म्यूजिक पे आपको क्लिक करना होगा, थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है, प्रोसेस होगा, देन आपको सिंपल यहाँ पर जो होगा ओके कर अपनी वीडियो को यहाँ पर जो है ऐड करना है, यानी कि अपनी वीडियो में म्यूजिक ऐड कर देना है। तो हमारे यहाँ पर जो है म्यूजिक भी ऐड हो चुका है बहुत ईजी तरीके से। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पर लिरिक्स ऐड करेंगे, यानी कि लिरिक्स मैच करेंगे, बीट लगाएंगे, वो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो पहले हम लिरिक्स लिखेंगे, जो जो भी सॉन्ग में है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो आपको सबसे पहले आगे आना है, यहाँ पर टेक्स्ट का आइकन आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, टेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आपको कीवर्ड यानी कि ऑप्शन दिखाई देता है आइकन वाला, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो लिरिक्स की आपकी पहली लाइन है, सॉन्ग की जो पहली लाइन है आपको उसको यहाँ पर जो होगा लिखना होगा, तो मैं उसे यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे ही मैं उसे यहाँ पर लिखता हूँ तो गाइस लिखने के बाद आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है, और आपको यहाँ पर डबल ए देखोगे यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फॉन्ट मिलते हैं, जो उन सा भी आपको पसंद आता है उस फॉन्ट को आपको यहाँ पर ले लेना होगा, काफ़ी सारे प्रो वगैरह भी फॉन्ट वगैरह इसमें हैं। और इसका जो साइज़ है इंक्रीज और डिक्रीज आप दोनों यहाँ पर कर सकते हो अपने हिसाब से, छोटा बड़ा जितना भी आपको रखना है उसको आप यहाँ पर बहुत ईजी तरीके से रख सकते हो। देन गाइस इसे यहाँ पर सेट करने के बाद या साइज़ को इंक्रीज या डिक्रीज करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को और मिलता है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप क्या कर सकते हो, इस फाउंड को आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं ऊपर या मतलब जैसे भी आपको सेट करना है उस हिसाब से आपको इसे यहाँ पर रख सकते हो, यानी कि बीचम बीच में हमें यहाँ पर सेट करना है, तो हम इसे बीच में सेट करके छोड़ देंगे, इसे घसीट के एंड तक हम यहाँ पर लेके चले जाएंगे। जाने के बाद गाइस अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आप लिरिक्स कैसे मैच करोगे, कैसे वो डिफरेंट डिफरेंट जो लिरिक्स होते हैं उनको मैच करना है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और सिखाता हूँ, आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर जहाँ तीर का निशान है आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के से क्या होगा, एनिमेशन होगा, तो आपको बार बार अलग अलग एनिमेशन नहीं देने हैं, हम यहाँ पर इन और आउट सेम एनिमेशन देने वाले हैं। अगर आपको अलग अलग एनिमेशन देना है तो जब हम इनको क्रॉप कर देंगे, यानी कि आगे मैं बताऊंगा, तो उसमें आप अलग अलग एनिमेशन दे सकते हो बहुत इजी तरीके से, इसी तरीके से। बट अभी मैंने इन और आउट में दोनों में यहाँ पर सेम एनिमेशन दिया है, यानी कि आने का भी सेम है और जाने का भी यहाँ पर सेम है, यानी कि इन और आउट एनिमेशन। अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, बीट मैच करनी है, तो बीट मैच कैसे करोगे, यानी कि लिरिक्स की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप यहाँ पे भी कर सकते हो, बट इससे आप मैं नहीं बताऊंगा, ये वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है, मैंने आपको एक वीडियो दी है, उस वीडियो को आपको यहाँ पर लेके आना होगा, लिरिक्स वाली वो वीडियो है, उसकी मदद से आप बहुत ईजी तरीके से यहाँ पर लिरिक्स मैच कर सकते हो। आपको क्या करना है, अपनी इस वीडियो को जो लिरिक्स वाली वीडियो है इसे पूरी तरीके से अपनी स्क्रीन में कुछ फिट टू स्क्रीन आपको यहाँ पर करना होगा। तो मैं इसको यहाँ पर जो फिट टू स्क्रीन यहाँ पर इसको सबसे पहले करता हूँ।
करने के बाद आपको यहाँ पर जो है देख सकते हो यहाँ पर फिट टू स्क्रीन हो चुकी है। उसके बाद आगे हो गए पहला लिरिक्स, उसी के पीछे जो है मतलब कि आपको सेकंड जो लिरिक्स है वो नज़र यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी कि लिरिक्स हमारे जो मेन होते हैं सबसे पहले हमें उन्हें मैच करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो पहला लिरिक्स आया वो यहाँ पर गायब हो गया, तो उसी तरीके से हम सीजर की मदद से अपने टेक्स्ट को यहाँ पर क्रॉप कर सकते हैं, जिससे सेम टू सेम बीट पर यहाँ पर मैच हो जाएगा। इस तरीके से आपको सीजर की मदद से दो पार्ट में डिवाइड करना है। फिर आपको आगे आना है और यहाँ पर आगे आओगे सेकंड वाला लिरिक्स देखोगे, उसको भी यहाँ पर जो है जैसे ही गायब होता है यानी कि इन और आउट होता है, पहले आया फिर आउट हुआ, तो उस तरीके से आपको सीजर की मदद से दो पार्ट में फिर डिवाइड करना है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, फिर आपको आगे आना इस तरीके से, और इसी तरीके से आपको फिर इस पर क्लिक करना होगा अपने टेक्स्ट पे, और उसको भी जो है यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड करना है सीजर की मदद से। तो इस तरीके से आप जो अपने मेन लिरिक्स की जो बीट होती है उसे बहुत इजी तरीके से यहाँ पर मैच कर सकते हो, खास करके जो वीडियो की मदद से बहुत इजी तरीके से। ये जो थंडर वाली वीडियो इसमें आ रही है ये मैं आगे बताऊंगा कैसे आपको यहाँ पर एडिट करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिरिक्स मेन होती है तो लिरिक्स को यहाँ पर एडिट कर रहे हैं अच्छे से। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये नीचे का क्रॉप नहीं करना, ऊपर वाला बीट मैच करके आपको यहाँ पर क्रॉप कर देना है। तो मैंने यहाँ पर जो लिरिक्स होती है वो मैं यहाँ पर अच्छे से मैच करना आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आप मैच कर सकते हो, या फिर अगर आपको बीट लगाना अच्छा लगता है बीट के मदद से आप यहाँ पर मैच कर सकते हो, तो वो भी बहुत इजी होता है आपके लिए। बट मैं थोड़ा इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप बहुत ईजी तरीके से जो है यहाँ पर इस तरीके से ईजी से आपके लिरिक्स जो बीट होती है उनको मैच कर सको। तो यहाँ पर इतना करने के बाद गाइज आपको क्या करना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर अब हार्ट आता है तो मैं इसे हार्ट के हिसाब से भी यहाँ पर जो है इसको मैच कर देता हूँ। तो इतना आपको हो चुका है, हार्ट आया उसके बाद सैड आई उसके बाद मतलब कि सारा जो है हमने ए टू जेड यहाँ पर जो है मर्च यानी कि एक तरीके से जो मैच हमने यहाँ पर कर दिया। करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले इसे दो पार्ट में डिवाइड करना, जो सेकंड वाला पार्ट है उसको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद आपको बिल्कुल यहाँ पर जो है आगे की तरफ आ जाना है, यहाँ पर जो है बिल्कुल यहाँ पर आपको जो है आगे आना है। अपनी वीडियो को एक बार प्ले करके देखते हो यानी कि फर्स्ट वाला लिरिक्स हमारा मैच है, सेकंड वाले लिरिक्स को हमें जो यहाँ पर मैच करना होगा। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर तीर का निशान एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ से हटा देंगे। और हटाने के बाद यानी कि जो मतलब लिखा हुआ था और जो सेकंड वाली लाइन है हम उस लाइन को यहाँ पर जो है पूरी तरीके से लिख देंगे। सिंपल सा है, जो भी मतलब लाइन आती है सेकंड जो फर्स्ट लिरिक्स है वो हम लिख चुके हैं, फिर हमें सेकंड जो सॉन्ग के हिसाब से उस लिरिक्स को यहाँ पर जो होगा लिखना होता है उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर थर्ड वाले पे जाएंगे, थर्ड वाले एडिट का ऑप्शन पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे लिरिक्स पर, उसे यहाँ से हटाएंगे और जो थर्ड वाले लिरिक्स की लाइन है सॉन्ग की जो लाइन है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। यानी कि आपको बारी बारी क्या करना होगा, इसी तरीके से अपने लिरिक्स को यहाँ पर लिखना होगा। तो ये जो लिखने का प्रोसेस है थोड़ा लंबा हो जाता है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर पूरी तरीके से एडिट किया, बहुत थोड़ा सा स्पीड में। तो आप इस तरीके से यहाँ पर इसे एडिट करना, देन मैंने यहाँ पर पूरी तरीके से एडिट करके लिरिक्स जो है कम्प्लीट यहाँ पर कर लिया। अगर मैं अपनी वीडियो को एक बार प्ले करके देखता हूँ तो हमारी जो लिरिक्स वीडियो देख सकते हो बहुत ईजी तरीके से यहाँ पर आ रही है, साथ के साथ एकदम लग रहा है कि हाँ मैच है सॉन्ग के साथ, बिल्कुल अलग यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। तो आपको इस तरीके से अच्छे से यहाँ पर मैच करना है, और मैच करने के बाद अपनी वीडियो को आप यहाँ पर प्ले करके देख सकते हो। तो गाइज यहाँ पर ये हो चुका है, बट अभी एंड में थोड़ा और है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा टेक्स्ट वाला वीडियो है यानी कि हमारी जो ये हार्ट वाली वीडियो है यानी कि इसे मैं एंड तक ले लेता हूँ, बाद में हम इसको क्रॉप कर देंगे। तो मैंने इसे एंड तक यहाँ पर रखा है। रखने के बाद अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी वीडियो है यानी कि जो थंडर वाली वीडियो आ रही है, तो इस वीडियो को हमें यहाँ से जो होगा डिलीट करना होगा। तो इस पर क्लिक करना है और इस वीडियो को यहाँ से डिलीट करना है। अब आपकी जो लिरिक्स वाली वीडियो थी, इस वीडियो को सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर इस वीडियो को जो है सेव करना होगा। आप सेव कैसे करोगे, तो ऊपर यहाँ पर देख सकते हो जो तीर का निशान है, आपको वहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को जो होगा सेव कर लेना होगा। सेव करने के बाद आपको सेकंड वीडियो यहाँ पर एडिट करनी है, वो वीडियो कौन सी है जिसमें आपको कुछ स्काई वगैरह लगाने होते हैं, थोड़ा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ उस वीडियो को आप यहाँ पर कैसे एडिट करोगे, क्योंकि थंडर वीडियो भी मैं आपको लिरिक्स में भी यहाँ पर लगा के आपको दिखाने वाला हूँ, वो ट्यूटोरियल भी मैं आपको यहाँ पर दूंगा इसी वीडियो के अंदर। तो आपको वापसी यहाँ पर VN एप्लीकेशन ओपन करना है, प्लस का आइकन है वहाँ क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट आएगा आपको वहाँ पर क्लिक कर देना, जो आपने सैड वीडियो यहाँ पर शूट की होगी उस वीडियो को आपको यहाँ पर जो है लेके आ जाना है। तो मैंने एक वीडियो ली है, इसी में मैं आपको स्काई एडिट करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले म्यूजिक को म्यूट करेंगे, ऊपर तीर का निशान होगा वहाँ पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद आगे आएंगे यहाँ पर आपको मिलता है वाटरमार्क VN एप्लीकेशन का, आपको इस पर क्लिक करके इसको यहाँ से जो होगा डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद बिल्कुल आ गया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑल मटेरियल करके, मैंने आपको एक स्काई की जो है टेम्पलेट यानी कि दी है, आपको उसको यहाँ पर लेकर आना होगा। यहाँ पर लाने के बाद ये रही वो गाइज वो टेम्पलेट, आपको इस पर क्लिक करना है, थोड़ा सा प्रोसेस होगा और आपको जो टेम्पलेट स्काई वाली ये पूरी तरीके से आपको वीडियो में यहाँ पर
चली जाएगी। तो वीडियो में जैसे ये आती है तो आपको यहाँ पर जो होगा रुकना होगा, तो जो है आपको पूरी तरीके से स्काई में फिट टू कर स्क्रीन करना है, यानी कि ऊपर जाओगे इस तरीके से आपको यहाँ पर इसको ले जाना है, सेट करना है। और नीचे की तरफ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले नीचे की तरफ जो है यहाँ पर पहले से स्काई में फिट करना है। फिट करने के बाद स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको मिलता है मास्क का ऑप्शन। मास्क के ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है आपको ये वाला लेना है। इसको आपको कुछ रोटेट भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से, अगर आपको मतलब थोड़ा सा ये लगे तो इसे अच्छे से रोटेट करके इस तरीके से आपको यहाँ पर सेट करना है। ये सेट करना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी भाई को ये अच्छे से सेट करना यहाँ पर नहीं आता है, तो मैं कहूँगा इसको अच्छे से सेट ज़रूर करना। और ध्यान रहे आपको जो वीडियो शूट करनी होगी वो आपकी वीडियो सैड वीडियो होनी चाहिए, यानी कि एक तरीके से सैड आप बैठे हो या फिर कहीं खड़े हो तो सैड पंक्ति से आपको खड़ा होना है। तो इस तरीके से आपको जो स्काई होगा वो यहाँ पर बहुत ईजी तरीके से एडिट हो जाएगा। तो कमाल का स्काई गाइस यहाँ पर लग रहा है, तो आप भी इसी तरीके से इस स्काई को जो एडिट यहाँ पर कर सकते हो। इस वीडियो को सेव करना है, सेव करने के बाद गाइस आपको तीसरी बार में भी यहाँ पर जो है VN एप्लीकेशन ही यहाँ पर आपको ओपन कर लेना होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ लेयर यहाँ पर ओपन करने के बाद प्लस का आइकन है यहाँ क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट आएगा आपको वहाँ पर जो होगा क्लिक कर देना होगा। और क्लिक करने के बाद आपको सिंपल क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले जो हमने लिरिक्स वीडियो एडिटिंग की थी उसको आपको यहाँ पर लेना है। जो सेकंड वाली वीडियो थी स्काई वाली, आपने सैड वीडियो जो एडिट की होगी अपनी खुद की, उस वीडियो को यहाँ पर लेके आ जाना है। आने के बाद क्या करोगे, देख सकते हो आपकी लिरिक्स वीडियो है यहाँ पर, और ये एंड में आपकी जो मतलब कि आपका जो स्काई जो सैड वीडियो आपने यहाँ पर शूट एडिट की होगी वो है। एंड में वाटरमार्क आएगा, इस वाटरमार्क पे क्लिक करके यहाँ से इसे जो होगा डिलीट कर देना होगा। डिलीट करने के बाद बिल्कुल आपको यहाँ पर आ गया ना, आगे आने के बाद जो है ऊपर तीर का निशान है वहाँ पर क्लिक करके यहाँ पे 9.16 जो आपको यहाँ पर ले लेना होगा। लेने के बाद म्यूजिक ऐड करना है, सबसे पहले इसमें जो है म्यूजिक पे क्लिक करना है, म्यूजिक का आइकन है वहाँ पर क्लिक करना है और अपनी वीडियो को म्यूजिक पे क्लिक कर देना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी मैंने पहले ही आपको ऑल मेट करके वीडियो दी है, तो उस वीडियो को क्या करना होगा आपको क्लिक करना है और जो वो वीडियो होती है वो ऑडियो में कन्वर्ट हो जाएगी, आपका म्यूजिक यहाँ पर जो है आ जाएगा। अपने म्यूजिक पे आप क्लिक करके अपने म्यूजिक को यहाँ पर बहुत ही इजी तरीके से जो है ऐड कर सकते हो। म्यूजिक ऐड करने के बाद अपनी वीडियो को अगर आप प्ले करके देखते हो तो हमें यहाँ पर जो है अभी एक बीट और मैच करनी है, यानी कि हमारी लिरिक्स की वीडियो की बाद जो सैड वीडियो आती है उसको कैसे आप यहाँ पर मतलब कि मैच करोगे। तो उसके लिए आपको अपनी वीडियो को प्ले करके देखना होगा और जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर बीट है, यहाँ पर आपकी सेकंड वीडियो आनी चाहिए लिरिक्स के बाद, तो आपको यहाँ पर जो है क्लिक करना है और उसको इस तरीके से यहाँ पर छोटा करना है। छोटा करने के बाद गाइस इस तरीके से क्रॉप कर सकते हो। उसके बाद अगर आप यहाँ पर जो है आगे आते हो अपनी वीडियो को प्ले करके देखते हो और आप यहाँ पर जो बिल्कुल आगे आ गए, यानी कि जितना भी म्यूजिक से अलग एक्स्ट्रा पार्ट होता है ये वाला, आपको इस पर क्लिक करना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है इसको क्रॉप कर देना है। तो क्रॉप करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर क्रॉप हो चुका है, आपको बिल्कुल यहाँ पर जो होगा आगे आ जाना होगा। अपनी वीडियो को प्ले करके देखोगे तो आपकी वीडियो में जो फाउंड है आपके जो मतलब थोड़े ज़्यादा मैंने बढ़ी लिए, तो आप इस तरीके से इनको छोटे भी कर सकते हो, देख सकते हो बहुत छोटे लगेंगे। तो इस तरीके से इसे भी यहाँ पर अच्छे से एडिट कर सकते हो, बिल्कुल आगे आना। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑल मटेरियल करके पहले आपको थंडर वाले इफेक्ट दिए हैं, तो जहाँ पर तीर का निशान था वहाँ पर क्लिक करके उन इफेक्ट में से एक इफेक्ट को आपको यहाँ पर जो है लेके आना होगा। लेके आने के बाद इसे जो है अच्छे से आपको यहाँ पर जो होगा रोटेट यहाँ पर कर देना है। तो रोटेट आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको करना है। ध्यान रहे हमारा जो इफेक्ट है ये थोड़ा कम है, तो हम इसे जो है यहाँ पर जो हम देख सकते हो स्पीड का ऑप्शन है इसकी मदद से यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले आपको इसे फिट टू स्क्रीन कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर इसे अच्छे से कर देना होगा। करने के बाद स्पीड का ऑप्शन देखोगे आपको यहाँ क्लिक करना है और इसे इस तरीके से आपको नीचे यहाँ पर जो आपको सेट करना होगा। हमारी जो लिरिक्स वाली वीडियो है वो 16 सेकंड की है, तो उस हिसाब से आपको 16 सेकंड की इस थंडर वाली वीडियो को आपको अच्छे से यहाँ पर करना है। ये ज़्यादा ना हो, आगे या पीछे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 16 सेकंड, यानी कि आपको ध्यान रखना है कितनी आपकी लिरिक्स वाली वीडियो है, तो उसी हिसाब से आपको इसको यहाँ स्लो मोशन आपको यहाँ पर करना होगा। तो इसे यहाँ पर अच्छे से आपको स्लो 16 सेकंड के आप हिसाब से आपको यहाँ पर इसको सेट करना है और यहाँ पर 16 सेकंड के हिसाब से आपको सेट करने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो हो चुका है। उसके बाद नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का, आपको ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो इनमें से आपको जो सही लगे वो आपको लेना है। पर मैं कहूँगा तो आपको ये वाला ऑप्शन लेना है और इस ऑप्शन को लेने के बाद जो इसकी अपॉर्चुनिटी यानी कि जो ब्राइट ये होती है आपको इसको यहाँ पर जो है कम कर देना है, यानी कि करीब करीब आपको 9 या 10 आपको यहाँ पर इसको रखना है। और रखने के बाद अपने हिसाब से आप कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा रखना है तो, पर मैं कहूँगा यहाँ पर कम ही रखना। देन आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद बिल्कुल आ गया ना,
जो मैंने सेकंड वाला आपको इफेक्ट दिया है उस इफेक्ट को भी आपको यहाँ पर जो होगा लेके आना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको उसको भी यहाँ पर अपनी वीडियो में जो लाना है और लगाना है, तो मैं उसे यहाँ पर जो है लेके आ जाता हूँ। इस तरीके से आपको सेकंड वाला आ जाएगा। इसको भी आपको रोटेट करना है अपनी वीडियो के ऊपर, पूरी तरीके से आपको फिट टू स्क्रीन कर देना है। और वापसी क्या करना है, इसमें भी आपको 16 सेकंड ही आपको करना होगा। तो स्पीड का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ क्लिक करना है। इसमें भी आपको इसे 16 सेकंड में ही लगभग आपको इसको यहाँ पर रखना होगा। और 16 सेकंड करने के बाद आपको क्या करना होगा, इसको यहाँ पर सिंपल जो है आपको ओके करना है। और 16 सेकंड करने के बाद गाइस क्या करना है, आपको सिंपल इसे ओके कर देना है। ओके जैसे ही आप करते हो तो आपको वापसी यहाँ स्क्रॉल करना होगा, ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलता है, इन इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है गाइज, आपको जो सही लगे उस हिसाब से आपको उसे यहाँ पर एडजस्ट करना है। थोड़ा इस तरीके से भी हो सकता है, और जो इसकी ये होती है आपको इसको भी यहाँ पर थोड़ा कम कर देना है, इस तरीके से 9, 10 या 11 रखना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं रखनी है। देन आपको यहाँ पर सिंपल इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद गाइज अगर आप यहाँ पर अपनी जो वीडियो को प्ले करके देखते हो, यानी कि अपनी वीडियो को अगर आप यहाँ पर प्ले करोगे तो देख सकते हो जो थंडर वाली वीडियो थी, लिरिक्स वाली वीडियो जो थी, वो यहाँ पर आपकी पूरी तरीके से जो वीडियो है वो बन के तैयार हो चुकी है। गाइस इस तरीके से आप बहुत ही इजी तरीके से अपने एंड्रॉइड फ़ोन की मदद से ये वीडियो, इस तरीके की लिरिक्स वाली वीडियो बना सकते हो। अब आपको यहाँ पर बीच में इफेक्ट लगाना है, यानी कि जब आपकी सेकंड वाली वीडियो आती है तो प्लस का आइकन देख सकते हो व्हाइट वाला, जो है आपको यहाँ पर जो होगा क्लिक करना होगा। जो ऑप्शन होते हैं वो मिलते हैं, तो इनमें से आपको जूम या जूम आउट, आपको इन दोनों में से एक ही यूज़ करना है। यही ज़्यादातर चलते हैं और यही इनमें ही काफ़ी अलग डिफरेंट लुक वाइज आ जाता है, देखने को मिलता है। तो इसमें आपको ये यहाँ पर जो होगा लगा देना है। लगाने के बाद आपको क्या करना होगा, बिल्कुल आ गया ना अपनी वीडियो को अगर आप यहाँ पर प्ले करके देखते हो तो गाइज आपकी वीडियो जो है पूरी तरीके से एडिट यानी कि कंप्लीट बन के तैयार हो चुकी है। इस तरह की वीडियो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन की मदद से बना सकते हो। बहुत कुछ बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है गाइज। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर भी कर लेना गाइज। इस वीडियो को सेव करना होगा तो ऊपर तीर का निशान है, आपको वहां पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत इजी तरीके से आप जो है सेव भी यहां पर कर सकते हो। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ।